हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आज वीकेंड है और हम लोग बाहर आए हैं घूमने के लिए, थोड़ा टाइम पास हो जाए। और बेबी के लिए एक सामान लेना था, मेरे हस्बैंड को फादर डे स्पेशल एक गिफ्ट लेना था, उसकी वजह से भी आए हैं। और घर का कुछ सामान लेना है उसकी वजह से भी, तो वो अंदर गए हैं लाने के लिए और हम लोग बाहर इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ का वेदर देखिए कितना अच्छा है और ये जगह मुझे बहुत ही पसंद है, इसलिए जब भी वीकेंड होता है तो हम लोग यहाँ आते हैं और इसी जगह पे एंजॉय करते हैं, घूमते हैं थोड़ा। लॉकडाउन में तो अभी मॉल नहीं जा सकते हैं, इसलिए ये एरिया बहुत ओपन ओपन है और सारे शॉप एकदम खुले खुले हैं। पार्किंग का भी अच्छा स्पेस है, इसलिए मैं यहाँ आती हूँ और थोड़ा इन्जॉय करती हूँ अपने बेबी के साथ। बेबी को भी थोड़ा मन लग जाता है और उसे भी खेलने के लिए स्पेस मिल जाता है यहाँ पे। बेंगलोर का वेदर तो आप जानते ही होंगे कितना अच्छा होता है यहाँ, क्या रात और क्या दिन, कुछ भी नहीं पता चलता है यहाँ पे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और मैं आज अपने बच्चे के लिए कुछ लेके आई हूँ, वो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है उसके लिए ये टॉय। ये मेरा बेबी का फर्स्ट टॉय है, बड़ा सा टॉय। छोटे सा टॉय तो मैंने बहुत सारा दिया है उसे, बट ये बड़ा सा फर्स्ट टॉय है। देखिए वो कैसा फील करता है और क्या क्या उसके साथ करता है, आज मैं दिखाऊँगी उसको। वो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो चलिए दिखाती हूँ मैं वो टॉय क्या है। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए फादर्स डे स्पेशल इसका टॉय है। इसके पापा ने ये फादर्स डे गिफ्ट किया है ये टॉय। ये देखिए, ये तो इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, क्लीन कर लिया है डिटॉल से, तब मैंने अपने बच्चे को दिया है। ये तो रुक ही नहीं रहा है, बस इसका आप एक्टिविटी देखिए ये क्या करता है। रुको बेटा, रुको रुको रुको, ये तो छोड़ ही नहीं रहा है। आजा आजा आजा, इसका एक्टिविटी देखिए ये क्या करता है। बेबी खेलना चाहता है। ओ मम्मा, सोफा पे रखी तो तुम भी सोफा पे रखोगे? बेबी डोंट डू, एक्चुअली मैं भी सोफा पे रखी ना, इसलिए उठा के सोफा पे रख रहा है। बैठो इंडिगो, इंडिगो पापा ने क्या गिफ्ट दिया? हाँ, आज फादर्स डे भी क्या गिफ्ट, काफी पसंद आया इसको ये टॉय। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने बच्चे को फर्स्ट टॉय देना चाहते हैं बड़े टाइप का, तो इस टाइप का टॉय आप दे सकते हो अपने बच्चे के लिए, क्योंकि ये काफी एंजॉय कर रहे हैं। ये तो पहले इस टॉय को पूरा देखेगा कि क्या है क्या नहीं, कैसे बैठना है, उसके बाद ये बैठेगा। देखिए कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है ये बैठने का। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बेबी, बैठ जाओ। इसका एक्टिविटी देखिए,
बैठो ना, यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरे शोना, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ यस यस यस, नहीं ये देखिए बॉल को इसके ऊपर रखेगा, बॉल को चलाएगा बैठा के। ये इसी तरह करता है, कुछ भी टॉय होता है ना तो उसके ऊपर ये बॉल बॉल रखता है, बॉल रखता है या कुछ सामान रखता है जो भी इसको पसंद आता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको चिकन बिरयानी बनाने के लिए बताऊंगी। बहुत ही इजी है चिकन बिरयानी बनाना, इससे सिंपल तरीका आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने पहले 600 ग्राम चिकन लिया है, ये 600 ग्राम चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया है और मैरिनेट कर लिया है, दही मिक्स कर दिया है इसमें, दही और मसाले सारे जो बिरयानी मसाले हैं और भी जो आपको मसाला डालना है, नमक वगैरह सारा मैंने मिक्स करके इसको मैरिनेट कर दिया है हाफ एन आवर के लिए, और राइस को भी आधे घंटे के लिए मैंने पानी में भिगो के रख दिया है। तो देखिए कुकर को मैंने लो फ्लेम पे रखना है और हल्के से गर्म कर लेना है। उसके बाद देखिए इसमें घी डालना है थोड़ा सा, एक चम्मच घी आप ले लीजिएगा। और कुछ खड़े मसाले, दालचीनी है और फिर लौंग है और तेज पत्ते हैं, सब इसमें मैं डालूंगी। थोड़ा खड़े मसाले का इसमें फ्लेवर आ जाए इसलिए थोड़ा सा छोड़ दी हूँ मैं। घी को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे सब तरफ ताकि नीचे जब चिकन डाले तो सटे नहीं चिकन। अब इसको लेयर बना के आपको डालना है। चिकन को कुकर में फटा फटा के थोड़ा डालेंगे। और सारे मसाले को इसके ऊपर डालना है। अब देखिए इसमें राइस डालेंगे। एक लेयर राइस का डालेंगे। फिर से चिकन को डालेंगे ऐसे साइड सटा सटा के। और जितने भी मसाले हैं ना इसके ऊपर डाल देंगे। फिर बचे हुए राइस को ऊपर में डालेंगे एक लेयर, जितने भी राइस बचे हैं। और थोड़ा थोड़ा ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल देंगे जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं। और ये फिर राइस ये वाटर डालेंगे। 2 ग्लास मैंने राइस लिया था
इसलिए 2 ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालेंगे इसमें, 3 ग्लास के लगभग। इसमें वाटर का मेजरमेंट ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और साइड में ही पानी डालेंगे, ऐसा नहीं कि बीच में डाल देंगे, नहीं तो फिर वो बिरयानी नहीं रहेगा, वो राइस बन जाएगा, राइस और चिकन हो जाएगा। तीन ग्लास के लगभग पानी में डाल रही हूँ, 3 ग्लास से थोड़ा कम ही। वो साइड में ही स्लो स्लो करके डालेंगे और थोड़ा सा नमक इसमें डालेंगे। फिर मैं चिकन में भी नमक डाली हूँ, इसलिए इसमें थोड़ा कम नमक डालूँगी, राइस जैसे राइस में चल जाए इस टाइप से। फ्रेंड्स, तो अब कुकर को आपको क्लोज कर देना है, ऐसे सीटी लगे हुए रहना है, छोड़ देना है इस तरह से, और धीमी आंच पे आपको धीमी आंच पे रखना है, और 45 मिनट तक आपको बिल्कुल भी छूना नहीं है इसमें, और देख लेना है कि हवा सीटी तो नहीं मार रही है। 45 मिनट तक आपको बिल्कुल भी नहीं छूना है इसको, और एकदम स्लो आंच पे ही रहना चाहिए फ्लेम। और 45 मिनट्स के बाद जब ये ठंडा हो जाए, इसमें से सारे हवा निकल जाए, उसके बाद आप खोलोगे तो देखोगे एकदम मस्त सा चिकन बिरयानी बनके तैयार। फ्रेंड्स, तो देखिए मेरा बिरयानी बनके तैयार है, एकदम परफेक्ट बना है, राइस भी अच्छे से कुक्ड हुआ है, और सारे राइस एकदम अलग अलग है, चिपका नहीं है। और इसके साथ मैंने रायता बना लिया है दही वाले। बिरयानी के साथ रायता बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा मुझे, और लाइक कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए बना सकूं और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। थैंक यू, बाय।